नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज खबर। बिहार के गोपालगंज जिले से है। भोरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 103 से एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। जनता से संपर्क के दौरान हमारे रिपोर्टर सुरेश गुप्ता से हुई बातचीत में बोले, जीत के बाद पहला कार्य सड़क निर्माण का होगा और अपने पक्ष में मतदान हेतु जनता से अपील की। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। भोरे विधानसभा क्षेत्र संख्या 103 से हमारे बीच मौजूद है सुनील राम जी। सुनील कुमार नाम है, सुनील कुमार जी, उनसे आइए सुनवाते हैं कि जनता के बीच मौजूद है, जनसंपर्क करते हुए भरपटिया गांव में पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे ही सुनवाते हैं जनता से क्या कह रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत हमारा नमस्कार। मैं आज हुसैनपुर पंचायत में आया हूँ जनसंपर्क के दौरान। मैं एनडीए का प्रत्याशी हूँ और जदयू के चुनाव चिन्ह तीर छाप चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा जनसंपर्क अभियान है, उसका मुख्य मुद्दा है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो डेवलपमेंट का, जो विकास का जो गंगा बही है, वही हमारा मुख्य मुद्दा है कि सर्वांगीण विकास इलाके में हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है। हर क्षेत्र में बिजली, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सभी क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है और अधिक विकास की संभावना है। दूसरा हमारा मुद्दा है कानून का राज, शांति व्यवस्था। हम विश्वास करते हैं, एनडीए विश्वास करता है, शांति व्यवस्था कायम रहे ताकि यहाँ का विकास हो सके। और दूसरी तरफ विपक्ष है यहाँ का, जो शांति व्यवस्था में या संविधान के आयामों के बीच में नहीं रहना चाहता। जोर जबरदस्ती की राजनीति है, कहीं पर जबरन खेत खलिहान कब्जा कर लेना, कहीं पिछले महीने पहले भोरे ब्लॉक में उन्होंने उत्पात मचाया, विजय के थाने में उत्पात मचाया। तो मेरी अपील होगी जनता कि ऐसा उम्मीदवार जो आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचा सके और विकास और कानून की राज में विश्वास रखता है, और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि भोरे जनता एनडीए का साथ। सर, मेरा पहला सवाल है, इस गांव में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जमीन उपलब्ध के बाद भी यहाँ विद्यालय नहीं बना, कई बार ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए भाई, पूरे क्षेत्र में तो बहुत सारे स्कूल बने हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ना बना हो, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि अगर जनता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है तो इस ओर मेरा प्रयास निश्चित रूप से होगा। सवाल आपसे, फसल क्षति मुआवजा जो चुनाव से पहले मिलने वाला था, आज अभी चुनावी मुद्दा बनकर रह गया, इस पर क्या करना है? देखिए, कई जगह इस तरह के भुगतान हुए हैं, कई जगह देरी हुई है, ये सरकारी महकमे में प्रक्रियाधीन है, तो हो सकता है विलम्ब हो सकता है इन चीज़ों में। कि जो नीतियाँ होती हैं, योजनाएँ होती हैं, जब धरातल पर आते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन साथ ही आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं। जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, ये सड़क भी इसी सरकार की देन है कि सड़क बनाई गई। आप इसी गांव में देख सकते हैं, अन्य गांव में देख सकते हैं, नल का जल है, पहुँच पथ है, बहुत सारे स्कूल बने, प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं, तो कहीं कहीं निश्चित रूप से गैप्स रह गए हैं, कहीं कहीं कमियां रह गई हैं। तो हमारा कर्तव्य होगा और हमारी जिम्मेवारी होगी कि जो गैप रह गए हैं, जो कमियां रह गई, उसको कैसे पूरा किया जाए सरकार की मदद से। विधानसभा में आपके सामने लोजपा प्रत्याशी है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसी भी चुनावी
संघर्ष में मैदान में प्रत्याशी तो रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन हम लोग की सोच जो है वो सकारात्मक है। एनडीए की सोच है, जनता दल यूनाइटेड की सोच है, वो काफ़ी सकारात्मक है। दूसरा क्या नकारात्मक काम कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे, हमारा क्या विश्वास है, हमारा क्या मुद्दा है और हम कैसे बिहार को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये ज़्यादा मायने रखता है ना कि कोई और प्रत्याशी क्या कहता है क्या नहीं कहता। और हम लोग को अन्य लोगों की नीतियों से बहुत मतलब नहीं है, मतलब अपनी नीतियों से है और घर घर तक गए। अगर इस सरकार की उपलब्धियों की गिनाए जाए, एनडीए की सरकार की, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार की, तो इतनी योजनाएं चली हैं कि हमारी उंगलियां थक जाएंगी उन योजनाओं को गिनते गिनते। इन्हीं बातों को हम जनता तक होने चले जाए। यहाँ बगल गाँव में जनता की एक और मतलब मांग है, खेदुआपुर से कुवारड़ी महादलित बस्ती नेताजी सुरेंद्र राम जी के घर तक अभी तक सड़क इतना जर्जर हालत में है जो चलना मुश्किल है। पिछले बार यहाँ के निवर्तमान विधायक श्रीमान अली नाथ जी आए थे और बोल कर गए कि इस पथ को मैं दुरुस्त कराऊंगा, मगर अभी तक वो काम अधूरा है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकार के पास हमेशा एक सीमित संसाधन होता है, तो जो भी विधायक होता है, चाहे यहाँ का हो, आने वाला हो, कमान हो, अन्य जगहों का, अपने अच्छा सरकार को करना है। छोटी छोटी योजनाएं जो है विधायक फंड से या फिर मुखिया जी के फंड से हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक बड़े सड़कों का सवाल है तो मुख्यालय स्तर पर इसका निर्णय होता है। तो हम पुनः प्रयास करेंगे। विकास के मुद्दे हैं या सड़क का मामला, उसमें गैप्स रह गए हैं, कुछ छूट गया है। हमारे प्रयास से चुनाव के पहले कम से कम कुछ सड़कों पर काम लगा है। तीनों ब्लॉक में महिला डॉक्टर भी प्रतिनिधि हुई हैं, गोरे ब्लॉक में और कटिया ब्लॉक में। तो ऐसा नहीं है कि हम इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, जमीन पर हम संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी गैप्स रह गए या जो भी कमियाँ रह गई उसको हम पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हम कोई झूठा वादा भी नहीं करना। आपसे आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला मतलब विकास के कार्य में पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा कि जो सड़कें टूटी फूटी है, यहाँ पर अत्यावश्यक सुधार की ज़रूरत है, वो हमारा होगा। और ये भी प्रयास होगा कि शिक्षा क्षेत्र में कैसे और बेहतरी हो सके, यहाँ क्या और इसकी संभावना है कि किसी तरह का कॉलेज इलाके में बुरे में खोला जा सके। और दूसरा तीसरा स्वास्थ्य भी होगा, स्वास्थ्य की में भी और कैसे सुधार हो सके ताकि लोगों का इलाज बेहतर से बेहतर। नील कुमार जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नील कुमार जिंदाबाद।